मिर्ची कौन लेके आता है? मार तो भाई सोना को दादू जी लेके आओ। मिर्ची कब से डाल रहे हो? हम तो हमारे साथी एजेंसी डाल रहे हो बिजनेस। और मैं लाल मिर्च भी कर लिया करूँ। अच्छा। लाल मिर्च का मिर्च तो भी बहुत मस्त लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हाँ जी, तो आपने अचार वगैरह तो खाया होगा, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मिर्ची का अचार कैसे डालते हैं, जो कि मेरी दादी जी डाल रही हैं। चलो चलते हैं, हम देखते हैं वो कैसे मिर्ची डालती है। यहाँ पे दादी माँ मिर्ची डालती हुई। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? मिर्ची डाल रही हूँ। अचार मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये पानी की खट्टी मिर्ची है, पानी की मिर्ची डालती हूँ, बहुत बढ़िया लगती है, मेरे बच्चों को अच्छी लगती है। और ये है यहाँ पे मिर्ची, ये इसका मसाला, और इस डिब्बे में ये डालती जा रही हैं। ये है उबली हुई मिर्चियाँ, और ये है हमारी डालने वाली दादी माँ। हाँ तो बताइए, आप मिर्ची डालने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? ये मिर्ची है, ये देसी मिर्ची धुलू में, ये मैं खट्टे कर दूँ मिर्चियाँ। पानी की मिर्चियाँ हैं, मेरे बच्चा ने बहुत स्वाद लगे, अच्छी लगे। और मैं लाल मिर्च भी कर लिया करूँ। अच्छा, लाल मिर्च का मिर्च भी बहुत मस्त लगे। बच्चा चटनी सी कर गया, अब दोबारा भी लाल मिर्ची होगा। मेरा खट्टा है, पानी की मिर्ची डाल रही हूँ। तो मिर्ची को डालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? मैं सूख लेती हूँ, इसमें मेथी लेती हूँ, इसमें राई लेती हूँ, उनको नमक मिक्स करके और भर देती हूँ इसके अंदर मिर्ची में। और मिर्ची को उबालने के लिए रख देते हो? ये पानी में रख देती हूँ, थोड़ा सा उबाला दिया, ठंडा कर लेती हूँ, ठंडा करके मसाला मिला के इसके अंदर उबाल देती हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अच्छा, तो आपकी मिर्ची खट्टी खट्टी मिर्ची हो जाएंगी अच्छी। और आपकी मिर्ची कितने दिन में तैयार हो जाती है बनके? 3 दिन में तैयार हो जाएगी, तीसरे दिन में खा लो आप, बहुत अच्छी लगती है। 3 दिन बाद खा लूँ? तो आप इसके ये हटा क्यों रहे हो? ये इसके थोड़ा 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 मसाला लग जाएगा इसके। तो ये क्या प्लास्टिक के डिब्बे में खराब नहीं होती क्या? नहीं भाई, कांच की क्योंकि आप के लाऊँ, कांच की है नहीं आपके पास? बाजार में लिया है, रुपया। आप अचार डालने का काम करते हो पूरे दिन? ना, काम तो मैं सोए करूँ, कोई काम कराओ कोई कर दूँ। मिर्ची कौन लेके आता है? मार तो भाई सोना को दादू जी लेके आओ। तो आपका ये बिजनेस कब से चालू है? आप मिर्ची कब से डाल रहे हो? हम तो हमारी साथी एजेंसी डाल रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे मिर्चियाँ, और ऐसे ये डाल रहे हैं। 3 दिन में तैयार हो जाएंगी है, फिर खाओ। अच्छा, तो मिर्ची किसके साथ खाते हैं आप? भाई बाजरे की रोटी साग खा ले, नीवा की रोटी का साग खा ले, पराठा में साग खा ले। अच्छा, और मास्टर जी होगा नहीं, मास्टर जी स्कूल में जाए वह टिफिन में भी ले जा सके, खास कर खेत में भी लेके जा सकते खेत हो। में ले जा सकते हैं खेत में, पहले क्या करता, हरी मिर्ची ले जाता, इतो मोटो एक प्याज ही ले जाता, प्याज ने फोड़ के मुक्की और मिर्ची रोटी तो प्याज लस्सी छाछ ले जा के खेत में का बहुत बढ़िया लगे, बात ही बहुत आ, खेत का तो आनंद ही अलग है। खेत में तो खाने का ही भाई, ग्रां तो इतनी बढ़िया बन लग गए, खेत में अच्छी लग। अच्छा, मिर्ची के अलावा आप किस चीज़ का अचार डालते हो? मिर्ची को कैरी को भी डालती हूँ, मिर्ची का भी डालती हूँ, लेस वगैरह पे डालती हूँ, आम का भी डालती हूँ। नींबू का भी डालते हो? करी का, आंवले का, ये चीज़ का डालती हूँ। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपने लाल मिर्च का अचार डाला था, तो वो कैसे डाला था? वो सूंघ पीली मिर्च, पीली सरसों, मेथी। अच्छा, राई। अब फिर से कब डालोगे?
हमें खाना है वो क्योंकि खत्म होने वाला है, मंगाएंगे, खत्म होने लग रही है तो मंगाएंगे, दादाजी लाएंगे क्योंकि हमें वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। सृष्टि का दादाजी लाएंगे, अब दोबारा डालेंगे। कहाँ कहाँ जाते हैं आपके डिब्बे? मारा डब्बा लक्ष्मणगढ़ चल जा, गलोद चल जा, रायपुर चल जा, जयपुर, जयपुर चल जा, चिड़ावा, चिड़ावा झूझना चल जा, चिड़ावा झूझना। मतलब आपके डिब्बों की बिक्री खूब होती है आपके अचार की, आपकी अचार के सभी दीवाने हो रखे हैं। तो दीवाना ही मारला खाड़िया ही। फिर तो आप ऑर्डर भी लेते होगे? ऑर्डर को ऑर्डर तो मारा घना ही, ऑर्डर वाला ही है घना ही खाड़िया ही। कोई गलावा तो ऑर्डर भी लगा दे भाई के तरह। अभी तो हमें आप लाल मिर्ची का अचार डाल के देना, हमें वो वाला भी खाना है। लाल मिर्ची का ऑर्डर दे दिया। मिर्ची की खुशबू मेरे नाक तक आ रही है। ये क्या था? ये ककेड़िया। ककेड़िया? ककेड़िया मिर्चियों में क्या कर रहा है? डल गया इसके अंदर, पता नहीं चला। गलती से? गलती से। और हरी मिर्ची को और क्या बोलते हो आप? कौन सी मिर्ची बोलते हो? देसी मिर्ची, खैरपुरी मिर्ची, थाने वाली मिर्ची, थाने का लेड़ी मिर्ची, थाने का ले मिर्चा। थाने क्या होता है? थाना हो है, खट्टी मीठी मिर्ची हो, पानी की मिर्ची बिन थाने बोले। अच्छा, लाल मिर्ची का ना सूखी बिन लाल मिर्ची ऐसे ही बोलते हैं। वो होती है मसालेदार। तो आप इसके अंदर आपने राई नहीं डाली क्या? ये राई है ना, ये दिख रही नहीं है इसमें राई। राई घनी है, देख घनी को तो लाग रही है। कोई 5 किलो ले आगे मैं लागे, कोई 1 किलो मिर्ची लग गए, ये राई लग गए। अच्छा, तो आप 5 किलो मिर्ची डाल सकते हो? हाँ। तो फिर तो आपको एक बिजनेस कर लेना चाहिए, आपको अचार की एक। अरे बिजनेस जीता तो मेरा टब्बर ही। अच्छा, अचार खाने वाले, मिर्ची खाने वाले, मिर्ची खाने वाला ही नहीं इसका, मेरे तो बिजनेस में जितता ही। चार मेरा पोता ही, 2 मेरा भू ही, 3 मेरा बेटा ही, बेटी अजा। अच्छा, आपकी मिर्ची इतनी फेमस है? आपकी मिर्ची इतनी ज्यादा फेमस है? बहुत ज्यादा फेमस है, में जाना। हाँ, तो हमारी दादी माँ की मिर्चियाँ अभी डलने वाली है पूरी। दादी माँ की नहीं, हरी मिर्च की मिर्चियाँ दादी माँ की। दादी माँ बना रही है मिर्ची, हो गई पूरी। हाँ, जिस जिसको खाना है वो कमेंट करके बता दीजिए, हम उनके घर तक पहुँचा देंगे। बदले में पैसे लगेंगे पर भाई, 250 रुपये का एक डिब्बा। सिर्फ 250 रुपये ही है, ज़्यादा नहीं है। 250 रुपये में क्या आता आजकल भाई, कुछ नहीं आता। यहाँ से मिर्चियों का पूरा व्यू आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दादी अम्मा इधर देखो, हमें आपका फेस ही देखना था। अभी बस 5 मिर्ची बची है और इन्होंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर इतनी मिर्चियाँ डाल दी है। नहीं, अभी तो और बची हुई है अंदर, फिर भी आधा डिब्बा भर गया है मिर्चियों का। और 3 दिन के अंदर हम इन मिर्चियों को खा सकते हैं। थोड़ी देर धूप दिखा के आप इसको अंदर रख देते हो, ढक के लाल कपड़ा लगा देते हो या सफ़ेद, कैसा होता है कपड़ा? सूती सूती कपड़ा लगा के आप उसको ढक देते हो हल्का, और फिर उसको रख देते हो, तो 3 दिन के अंदर वो तैयार हो जाती है। अच्छा, उसको डिब्बे को 3-4 बार हिला दो। इसमें पानी कहाँ से आएगा? ये उबला हुआ पानी है इसके अंदर। अच्छा, ये वाला पानी इसी में डालोगे आप? हाँ। और लास्ट में बचा हुआ मसाला भी इसी में डालोगे। तो क्या आप कैरी का अचार डालते हो? कैरी का डालते हैं। तो कब डालोगे वो? लाएंगे। अच्छा, ये पानी डाल रहे हो भाई इसमें? टिंटिया का अचार डालती हूँ, बहुत स्वाद होता है टिंटिया का भी। टिंटिया केर का अचार? केर का अचार। अच्छा, मारवाड़ी में उसको टीटिया बोलते हैं। ए भाई, आँख में जाएगा, लगा तो नहीं। हाँ, तो ये मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया है हमारा।
अभी इसको 3 दिन लगेंगे और 3 दिन बाद में हम इसको खा सकते हैं। वैसे मैं तो इसको दही के साथ ही ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, कई लोग इसको ऐसे भी खा लेते हैं रोटी के ऊपर रख के। क्या दही में भी अच्छा लग रहा? मैं तो दही के साथ ही खाती हूँ, मेरे को दही के साथ ही अच्छी लगती है। तो चलो देखते हैं 3 दिन बाद कैसा होता है इसका रूप। ठीक है दादी जी, थैंक यू। तो ये भैया है अपने मिर्ची खाने वाले, इसके लिए इसकी दादी बहुत ज्यादा मिर्ची डालती है। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। कौन है तू? यूट्यूब पे इंस्टाग्राम की आप भी मेरे फैन फॉलोइंग से जुड़ जाएंगे, उसके बाद फिर आप भी मिर्ची खाना चालू कर देंगे। फिर आप भी मिर्ची खाना चालू, आप इनका शरीर देख के आप भी मिर्ची खाना चालू कर देंगे। हाँ, ये इतना बड़ा ये देह इस मिर्चियों के कारण है, ये हमारी दादी की देन है। इनकी दादी ने इनको मिर्ची खिला खिला के शिमला मिर्च बना दिया है। ये शिमला मिर्च बन चुके हैं अभी। वो दादी दो टाइप की मिर्च डालती है, एक शिमला मिर्च और एक देसी मिर्च। ये देसी मिर्च की तरह है, मैं शिमला मिर्च की तरह।